सोल संग्राम। नमस्कार, प्रणाम, गोर लागतानी भोजपुरिया जहान, हम रवि किशन शुक्ल स्वागत करतानी सुर के सबसे बड़ संग्राम में, जेकर नाम बाटे सुर संग्राम द्वितीय। आलोक बाबू, ये गाना हमरे पे पिक्चराइज वायरल, ये पिक्चर बहुत ही बहुत चलल भी, बहुत पसंद आयल भोजपुरिया समाज के, का कहे चाहे ये गाने के बारे में। और सुर संग्राम के हाईएस्ट टीआरपी भेटाइल बा, आप सब सरदार लोगन के मुबारकबाद, का कहबा समाज से। आज हम भैया जी भी कुछ भी बानी, वही सब प्यार आशीर्वाद सब लोगन के बाटे, और बड़ा अच्छा लगल भैया, बड़ा मन से कहने गाना। हमरा ये गाना गावे में लगल करीब 2.5 घंटा लगल भैया। भैया ये जो गाना है हेलो हम संतोष, इस गाने की वजह से आज हम जितना भी रिकॉर्डिंग करते हैं, इस गाने की वजह से मिला है, ये गाना से मेरा जिंदगी बदल गया। तो थैंक यू आपको, और थैंक यू आप सभी को जिन्होंने मुझे इतना प्यार देकर इस मंच से और इस पूरे दुनिया जहान तक आप लोगों ने मुझे पहुंचाया है। ये गाना के बाद ये पिक्चर में हमेशा हम पत्ता पहने एक सीक्वेंस हुआ जहां हम खाली पत्ता पहने लगी और बकरी सब दौड़ा तड़ी पत्ता खाए खातिर। एक जोरदार ताली के साथ स्वागत करी यूपी के शान सरदार मोहन राठौड़ के, बिहार के आन सरदार आलोक बाबू बगले में बाड़न, और झारखंड की जान सरदार ममता राउत के। जय हो, आप लोग कृपया अपने अपने सिंहासन पे विराजे। जोशी के साथ स्वागत करी तीन राज्य के सुर के योद्धा लोगन के, जय हो आप लोगन का, कृपया आप लोग विराजे। आज के दिन सबसे ज्यादा संघर्ष होला, यानी विदाई की रात। आज कौन सी सेना के योद्धा के हो जाए विदाई एजा से, यूपी के, बिहार के या झारखंड के? का लगता नारी शक्ति कहीं कमजोर तो ना पड़ जाए आज रात? कबो कम ना पड़ी, और अगर कभी ऐसा लगल कि अगर कम पड़ा था तो सुनामी आ जाई। ओहो, आलोक आखिरी योद्धा बचल बाटे आलोक खातिर, कहीं कछुआ खरगोश के बाद आज विदाई के रात उल्टा ना पड़ जाए। हमारा विश्वास बाटे वो अकेले खंभा गाड़ी बिहार के और सुर संग्राम के विजेता सुमिया ही बनी अब की बार सुर संग्राम। वाह, मोहन बाबू तीन योद्धा भौकाल बना के आगे टिकल वाड़न, का कहबा? कुछ कहब ना, अभी लोग के तो पते बाप का हम बताई जनते बने, हम बोली लेता ही लोग सीरियस हो जाला जा, सीरियस चला जानल जाओ आज कई पोजीशन और विदाई के रात के बारे में न्यायमंडल का सोचता। मालिनी जी, रवि जी, आज विदाई के रात बाटे और आज एगो बहुत ट्रिकी सिचुएशन उत्पन्न हो गल बाटे, काहे से कि दो ऐसे प्रतिभागी शालिनी और उनसे खाली एक ही नंबर आगे चलता वीरेंद्र भारती, जैसे रेत मुट्ठी में से धीरे धीरे निकलती जाती है, ऐसे वक्त भी धीरे धीरे जाता है, कहीं कोई आज एक बहुत मजबूत प्रतिभागी बाहर न चला जाए। एक्चुअली आज टेंशन एक है, और किस हिसाब से बहुत ही सॉकस रह के आज एक्चुअली एक करना पड़ेगा, एक जिम्मेदारी आज खास है, तो सबको ऑल द बेस्ट, देखते हैं। मैं एंजॉय करने के लिए बैठी हूँ। विदाई की रात के घमासान शुरू करी ओकरा से पहले न्यायमंडल से हम इजाजत चाहब। जय हो, धन्यवाद। सबसे पहले मंच पर उतर रहल बाड़ी न्यूज योद्धा, इनका के पिछला एपिसोड में भेटायल रहे, सबसे कम 32 नंबर आज के परफॉर्मेंस करी इनकर सुर संग्राम के मंच पर भविष्य का फैसला। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी रामगढ़ झारखंड की शालिनी दुबे, ऑल द बेस्ट। I'm not afraid to die.
कमाल का आवाज में एगो तरकश बाटे, बहुत ही रेयर एगो वॉइस कहल जाला, बहुत कम लोगन का ऐसा आवाज, उन्हें एकदम का कहीं हिमालय पे कोनो बुढ़िया उड़िया एकदम संगीत का प्रकांड बैठ के सूर्य को लगावतिया। अच्छा कंपोजिशन ही क्या कर रहे हैं? कंपोज मेरे बड़े पापा का है। वही तो मैं पहली बार सुना हूँ और बड़ा अच्छा, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा सर। क्या ममता जी का कह रही? बहुत अच्छी लग रही हो, बहुत अच्छा गाया और तुमसे बहुत उम्मीद है, आगे समझदार हो, समझ जाओ क्या कहना चाहती हूँ। ठीक है, थैंक यू। जब ऐसा कुल गाना गावे लो तुमके बहुत अच्छा लगेला, वो रूप में मतलब तुम्हार जो फील आवेला माहौल पूरा एकदम कवर कर ले लो, अच्छा लगा, बहुत बढ़िया गौलो। धन्यवाद मोहन बाबू, बहुत बढ़िया जी। कल्पना शालिनी को शायद पिछले एपिसोड का खुमार अभी भी तंग कर रही होगी, है ना शालिनी? इसलिए वो प्रॉपर भोजपुरी बोली नहीं होके थोड़ा सा राष्ट्रीय भाषा के करीब है, लेकिन कंपोजिशन बहुत अच्छा था। मेरे तरफ से 18 वाह वाह, कल्पना जी से 18 भेटाई, लड़की के जान में थोड़ा जान आई, चलल जाओ मालिनी जी। शालिनी एकदम नीलम परी माफिक लगता, एकदम नीलम परी, जोरदार ताली हो जाए, बहुत प्यारी लग रही हो। वो बोझा उतार दो दिमाग से। और आपने बताया है कि आपकी ताऊ जी की अंकल की कंपोजिशन, लेकिन मन्ना डे जी का बहुत मशहूर ये दादरा है। और अभी भी एक प्रॉब्लम आपके गाने में है शालिनी, कि जो सस्टेनिंग नोट है अभी भी, जिसको तार की तरह कहना चाहिए, वहाँ पर हल्का सा आप उधर गाती हैं, डर मुझे लगता है कि पूरा पूरा सुर वहाँ पर टिकेगा कि नहीं। मेरी ओर से आपके लिए 18 थे, लेकिन एक नंबर इस गाने को चुनने के लिए खमाज में 19। वाह वाह वाह, का शुरुआत भइल, हरार महादेव, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लड़की के भेटाइल 18, कल्पना जी से 19 भेटाइल, मालनी जी से कुल हो गइल 69। जय हो का बात बाटे, मुबारक हो भाई, का शुरुआत कैलू। हाँ बोला, आज आपके लिए कुछ कहना चाहते हैं। मुझे सहल हो गई मंजिले वो, और हवा के रुख भी बदल गए, तेरा हाथ हाथ में आ गया तो चराग राह में चल गए। आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, मैं आपके लिए कुछ लाई हूँ। लाई? काजर निकाल के कान के पीछे लगा दे ले, हमार माई आज तरह के बहुत आशीर्वाद दी हमार। धन्यवाद, हरार महादेव, हरार महादेव, बहुत अच्छा। इतना ही लड़की खुश कर दे ले, इसके सुना हम तरह खातिर भी कुछ लिया ले, इनकर माई के लिए आयल बानी हम झारखंड से। धन्यवाद करना चाहूँगी कि उन्होंने मम्मी को, वैसे मैं बहुत बहुत मिस कर रही थी मम्मी को, मैं कभी भी बचपन से मम्मी से अलग नहीं रही, और हमेशा हम दो बहनें हैं, हमेशा मम्मी पापा के साथ ही रहते हैं। पहली बार मैं बाहर आई हूँ और अभी पापा घर पर ही हैं, बहुत मिस कर रहे होंगे हमको। तो पापा हम आएंगे, लेकिन जीत के आएंगे, इतना जल्दी नहीं आएंगे, कीजिएगा। आज इस मंच पर मैं खड़ी हूँ, मैं बता नहीं सकती कि मैं कांप रही हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं एकदम कांप रही हूँ, मुझे पता नहीं इतना बड़ा मंच मुझे मिला है, मैं यहाँ खड़ी हूँ, सो मैं बता नहीं सकती कि कैसा मुझे लग रहा है। और सबसे पहले तो मैं मालिनी जी और कल्पना जी को बहुत बहुत उनको प्रणाम करती हूँ, और संतोष जी, नागेंद्र जी, आज इन सब बच्चों के पीछे जो मेहनत कर रहे हैं, इसके लिए मैं उन लोगों को तो मैं क्या कहूँ, मेरे पास शब्द भी नहीं है। शुक्रवार जैसे ही आता है, सभी को, पूरे मेरे पड़ोसी लोग, सभी 8 बजता है और सभी लोग टीवी पे बैठ जाते हैं। अरे वाह, बहुत बहुत पॉपुलर हो चुका है ये शो,
ये आपके लड़की हमरा के देख के सीटी मारेला हमके बहुत छेड़ला उ खातिर का कबू अरे उतरवा के देख के त हमहु सीटी मारब खानदान का असर है हिरोशिमा नागासाकी से बड़का बम रहे हो ये तो पूरा कृपया आपने अपनी जगह पर जाएं धन्यवाद शालिनी शालिनी दुबे बैठ गई बाड़ी लाल कुर्सी पर एलिमिनेशन के तलवार मंडरा रहल बाटे इनकरा ऊपर का इनकर मंच पर सूरज हुई आज उदय या हमेशा खातिर हो जाई अस्त अभी बाकी बाटे छह गो और जोश और जुनून और संघर्ष से भरल परफॉर्मेंस कौन सेना के योद्धा के सपना पकड़ी रफ्तार और कौन सेना के योद्धा के सपना पर लगी पावर ब्रेक यूपी बिहार या झारखंड अब उतर रहल बाड़िन वो योद्धा जिनका पिछला एपिसोड में भेटायल रहे सबसे ज्यादा नंबर यानी 40 ये एकमात्र योद्धा बाड़िन बिहार सेना के आज इनकर सुर के एक बार फिर से सबके सुर पे का चढ़ी या ना चढ़ी या एलिमिनेट हो गई बिहार के जंग से हो जाई हंसा चला जाना जा आलोक बाबू का कहा आज जहां एलिमिनेशन के बाद बटे तो या तो यूपी जाए या तो झारखंड जाए लेकिन सोमिया आज बची हैं इतना विश्वास बा हमें भौजियों को बेरा बतिया कहले रहा मान लो चल दिए तो फिर अकेले गई हो ना हारमोनिया बजा के जाए इतना विश्वास बांटे कि ना जाए तब तो आलोक ही भैया साफ हो जाएंगे कोस से ही हट जाएंगे आज देख लिया सामने के बात बांटे आज सब लोग देख लिया आज एकदम गाड़ दिवे एकदम झंडा चलो ठीक है मधुबनी के नातिन सौम्या मिश्रा स्वागत
पिछला एपिसोड में इनकरा के भेटाएल रहे 40 नंबर, आज कितना नंबर इनकरा के भेटाई। विदाई की रात बाटे बिहार के आखिरी योद्धा मोहन बाबू का कह। अच्छा रहे लेकिन लेकिन तो लागल बा उनकरो के फील होत हुई, और बस आलोक के बैठे वाला काम होया मत कर ठीक ना। सिर्फ गायकी नजर आ रही थी, सिर्फ तुम गाना गा रही थी, भाव नहीं थे, मेरे तरफ से सॉरी। कोनो बात नहीं के सोमिया, बोले वाला के बोले था ओकर काम बाटे बोले के, लेकिन जौन गाना तू आज गैलू है इतना टफ गाना रहे, हम जाना तो नहीं कि लाइव बहुत ही मुश्किल बाटे। बहुत ही मुश्किल थी, लेकिन हम मुश्किल गाने का क्या करेंगे यदि गाने में असर ना हो। मेरे लिए ऐसा कुछ भी नहीं था कि मैं फक्र करूं कि तुमको हम लोगों ने पिछले एपिसोड में 40 में 40 दिए। नीरस और बेदम, आज के लिए मेरी ओर से 14। भाव तो था ही नहीं, सबने बोला और सच है, और एक तो तुमने कंपोजिशन भी चेंज किया, मेरे तरफ से 15। पिछला सप्ताह भेटाई रहे सौम्या के 40, मानली जी से भेटाइल 14, और भेटाइल कल्पना जी से 15, कुल मिला के हो गई 69। बिहार का पूरा मेज बाऊ खाली हो गई बा। जोने बात का डर रहे वह भाई बिहार का आखिरी योद्धा ताई में फंसा गई। 69 इनकरा के भी भेटाइल, आज इनकर प्रस्तुति न्यायमंडल के कमजोर लगल। अब देखल जाओ कि बिहार का आज हमेशा खातिरी मंच के छोड़ के चल जाई, या आखिरी पत्ता आलोक बाबू के पास कोनो बाटे जैसे उत्तर प्रदेश झारखंड एक एक पेश कर लेस, का आलोक का आज उदाव चली ऐसा कोनो तैयारी बाटे, या उनका लगे कोनो योद्धा नहीं खेल। आई आपके शालिनी के एक साथ और भेटा गई सौम्या, ना सोच ले रहनी कि पासा ऐसे पलटी। एगो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी। जी हाँ ठीक पहचान ला, सुर के कोबरा अवतारन ओबरा सोनभद्र से दीपक कुमार।
आपका खुद का रंग था जो कि आप आज रंग नहीं जमा पाए, ऐसा क्यों? आज इतना अंदर कंपटीशन इतना मतलब इस लेवल पे आ चुका है कि अब मतलब कोई भी माफी नहीं मिल सकती है ना जी। एक से एक धुरंधर बैठे हुए हैं, अब अगर छोटी सी भी गलती आप करते हैं मतलब आप यहाँ से जा रहे हैं। एगो कोच के नाते हम बोला था नहीं, ये गाना बहुत हिट गाना बाटे हमनी के, सच्चाई एल्बम के गाना पवन भैया के बाटे, बहुत भाव में के गैले बन, इतना भाव में गैले बन कि सुनब तो पगला जीब, तो वो चीज रहे। लेकिन जोन गजल बाटे मेन गजल, वो भाव में तू गैल और ओके निभावे के कोशिश कैल ह, अच्छा भले लेकिन तीनों जना में भी सालनी बीस बिया। आज माहौल ही कुछ और शायद इसलिए सब लोग घबराहट में, आज मुझे लगा कि बहुत दमदार आप गाने वाले हो लेकिन आगे चल के आप भटक गए या डर गए। खासकर एक मुर्गी भी बीच में लिया, बहुत ही अजीब सा लगा, मतलब डरावना सा था वो। फिर भी नंबर देना पड़ेगा मेरे हिसाब से 14। दीपक आप एक बहुत बढ़िया आवाज के मालिक हैं, ये आपको मालूम है। मैं हमेशा मारकुंडी के शेर आपको बुलाती हूँ इसीलिए हूँ क्योंकि आपकी आवाज, ऐसी आवाज भगवान हरेक को नसीब में नहीं देता। आपके आज का ये सूत्रधार की भी चौका दे ले, न्याय मंडल भी हो चक्का हो गए, ले जा रहा है बस। आप लोग सेफ बढ़, कृपया आप लोग जा बैठ। बिहार और झारखंड हो गए सेफ, उत्तर प्रदेश अनसेफ, 67 नंबर पाके दीपक सोनभद्र से जयालवाड़न ओबरा से उजातड़न लाल के काल पे यानी ललका कुर्सी पे, ये अजीबा कुछ हो गल, एक कमाल का सिंगर बाई लेका, एक कमाल का लड़का बा, लेकिन के भारी उड़ान के कर पूरा होई अंजाम, साथे साथ भानुमति का पिटारा हो भैया, काहे कि माहौल इतना गमगीन हो गई बा कि वो भानुमति का पिटारा एगो अच्छा बा कि वो थोड़ा सा जगा देला, हो आई हो। अब बारी बाटे भानुमति के पिटारा के हो भैया, जे खुला ला तो हमरा के भी मेहरारू बना दे रहे, याद बा ना मालनी जी गावत रहनी, हम पूरा खंजर भोगत रहनी। आज के कर बारी बा, हम तो चाहब कि कल्पना जी का बारी आए, मालनी जी के देखे के चाहब, सरदार लोगन का, ममता का, और लोगन से ऐसे ऐसे करवाई ना, ये पांच लोग बचल बाड़न भानुमति के पिटारा से, हम देखे के चाहब का निकली। भैया प्रोडक्शन भानुमति का पिटारा कहाँ बा हो? हमरा लगे बा। के हमरा लगे के बाटे के है मतलब हम के है हम ऊ बानी के बान के बाटे हम बानी हूँ जेकरा से तू डरा जी को हाँ हम रवि किशन डराई केकरा से हमरे से कहाँ बाड़ा सामने तो आओ बच्चा पहले के बाटे आओ तो आ रहल बानी आ जा बेटा पूरा
अरे बाप रे सुपरमैन, इनका लाल कच्छा देखा सुपरमैन का, लेकिन ये तो सुपरमैन में एस लिखा लो, ये बी से का हो? बी से अमर भुटाली ना, तो ये भुटाली मैन आल वाड़न भानुमती का पिटारा लेके बहुत बढ़िया अरिराम ही बिठा देता जमीन पे, ये जब भी आता हमको कहे कि हाँ एगो भैया हम बात कहे के चाहते का? कह दिनू हम ममता जी ले बहुत प्यार करी ना। और काहे नहीं हो, प्रेम कोई भी केहू से भी कर सकेला, और काहे नहीं, और इनका जुल्फ एगो सुपरमैन की तरह, लेकिन ये तो बड़ा सरप्राइज दे देला कि ममता जी से ये प्रेम कब हो गई, यही खातिर फिर से दिल्ली लौट आई लगा। हाँ भैया हम इंकार करते हैं, जी सुनाओ चाहते नहीं। अरे सुनाओ बाबू, अरे ये राम ममता का लॉटरी लग गई लो। ममता का लॉटरी लग गई, चला सुनावा गाना। किता कोही तका वही में चली जाई जिंदगी तको बहुई, प्यार अब नहीं होई तको बहुई, प्यार अब नहीं होई तको बहुई। देखा भुटाली हिंट तो दे देलन, ममता की बुढ़ौती से पहले प्रेम कैला। और ये पिटारा में से जोन चु आज न्याय मंडल में से केहू एक हाथ लग गईल बा भानुमती के पिटारा में, बड़ा मजा ले लू हमार मेहरारू वाला, लिपस्टिक लगवा दे ले रनी, बिंदी टिकिया लगा दे रनी, अब मजा आ गया। धन्यवाद भुटाली मैन, बड़ा अच्छा, तहे दिल से धन्यवाद बाबू, जाके फिर भुटाली बाबू। अच्छा भुटाली बाबू, अब रहबा हमनी लोगन के साथ की छोड़ के चल जाइबा? रहम हूँ हर पूरा आखिरी तक। हाँ हाँ। अरे जय हो भुटाली बाबू, खातिर जोरदार ताली, इनकर साथ ही हमेशा भुटाली मैन अहन भानुमती के पिटारा के साथ, और साथ ही साथ इनकर हम अच्छा सही बतावा गायकी में तो इजा से चल गई ला ना, मौका भेटाइल ममता के चक्कर में आल बड़ा ना कहा गई जो ठीक बा भैया, ये लोगन के बीच में ना आई, देखो प्यार अंधा होता है। चलाओ बाबा, अब उतरल बाड़न झारखंड के सेना की योद्धा, ई योद्धा पिछला चुनौती से ही सेना में शामिल भइल बाड़न, लेकिन इनकर पहला दस्तक ही सबके रात के नींद उड़ा देले, याद बा एकदम बड़का बड़का आँख लेके पटर पटर मटर मटर नाचत रहनी गा के। हाँ पिछला एपिसोड में इनकरा के भिटाइल रहे 39 नंबर, आज भी इनकर परफॉर्मेंस दमदार रही जारी कि ना, पहलका परफॉर्मेंस बड़ा तड़ाके से होला, एगो जोरदार ताली के साथ स्वागत करी बोकारो से सुर के राजकुमारी चंदन तिवारी। बिना बाया दर से मौई
खा का बाल जब बढ़िया लगल काहे के जौन सुस्ती पना रहे पहले दो तीन पार्टिसिपेंट के योद्धा के ओकरा के तू आज उजागर कैलू है और हम चाहब इसी तरह से सब लोग गाई और सुर संग्राम थर्ड में एकदम जमा के गाई और मस्त रही ताकि सब लोग एकदम मस्त थैंक यू भैया जे यही तरह गाई वह फाइनल में जाई थैंक यू भैया जैसा भैया हमको कल्पना दीदी का गाना सुन के एकदम रोंगटा खड़ा हो जाता था जोश आ जाता था वैसे आज हमको चंदन के गाने में लगा बहुत अच्छा तो संग्राम में लड़कियन में यही कलर की कमी रहे जोन तू पूरा कर दे यही कलर की कमी रहे वो सब शहरी गावे वाली है तो हर गायकी में एगो भोजपुरी के ऐसा छौक सुन करके एकदम हलहला जला हमार जिया बहुत बढ़िया गौलू स्वागत 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 चंदन 18 मैंने पहले कहा था कि तुम्हारे साथ बहुत मज़ा आएगा वो मज़ा आया और मैं तो ममता को बधाई देना चाहूँगी ममता कि एक जो अधिकार आपको सौंपा गया उस अधिकार का आपने एकदम सही इस्तेमाल किया एक्चुअली 18 मालनी जी से 18 कल्पना जी से कुल टोटल इनकर पिछल का एपिसोड से और आज के एपिसोड का मार्किंग के हिसाब से हो गए 75 और सेफ बाड़ू तू थैंक यू सर थोड़ा पता चलल कि पिताजी का बहुत संघर्ष है माई का पिताजी का बहुत तकलीफ से तो हर जीवन बीतता या बीतल है का है अपने बारे में आज पूरा ही मन से आयल बाड़ू पूरा देश ना पूरा दुनिया देखा था का कहे चाबू बहुत तरह के मतलब बहुत बचपन से ही मंदिर में गावत रही हम पापा के तनख्वाह बंद हो गए के कारण ओकरा बाद धीरे 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 गाते 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 गुरु जी मिलने शिव प्रसाद पांडे जी पटना के हैं तो वो हमरा के आके सिखावले बहुत मतलब अच्छा से सिखावले उसके बाद ओकरा बाद फिर जयशंकर ओझा जी बानी उनकरा से हम शिक्षा लेनी ओकरा बाद बच्चन जी महाराज बानी उनकरा से भी कुछ सीखे के मिलल हमका ऐसे ऐसे करके पहले गावत रहनी 200, 400, 500 ऐसे अपन धीरे 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 बढ़त गई नहीं आज एक दू गो मतलब प्रोग्राम भी करी ना छोटा मोटा ज़्यादा बढ़त ना लेकिन जा नहीं तो अलग टाइप से व्यवहार करेला लोग सिंह के सिंगर जैसा ना समझेला लोग दूसर नज़र से देखेला लोग गलत टाइप से व्यवहार होला तो बहुत दुख होला कि ऐसा लड़की के साथ कहे होला तो हम ठान लेनी कि एक दिन दिखा दे कि हम कहाँ हैं हर लड़की से हम यह कहे के चाहब कि वो कबो जैसन व्यवहार होला ओके एकदम साइड में रख के एकदम अपन लक्ष्य पे ध्यान देवे के बा करे के बा अब बस आगे बढ़े के बा केकरो परवाह नहीं करे के कुछ नहीं के सोचे के कौन का बोलेला का ना बोलेला अपन जोन बा एम बस उकरे के देख के चले के बागे हर लड़की से हम यह कहे के चाहब कैसे आप लोग सोच भी लेला जे भी बाड़न इनके साथ जे भी बोल ले इसकी कि गलत बात ना करे के चाही और बहुत अच्छा सीख दे लू तू बहुत अच्छा ठीक बाटे धन्यवाद अभी तक हो चुकल बाटे 4 गो परफॉर्मेंस पूरा लाल कुर्सी के काल घेर ले बाटे उत्तर प्रदेश के वह उत्तर प्रदेश जहाँ के योद्धा लोगन पे पूरा उत्तर प्रदेश के नाज रहे स्वयं सरदार मोहन राठौड़ के नाज रहे लेकिन काल ग्रह नक्षत्र भगवान दिन समय कभी कभी ऊ भारी पड़ जाला सुर पे भी कला पे भी ये एक सृष्टि का खेला बा और भानुमती के पिटारा जे भूटाली बाबू सुपरमैन बन के आ रहा ना वो खुले के बा न्यायमंडल पे एगो इशारा दे देव कि न्यायमंडल का नाम बाटे दोनों का केकर नाम निकली आज चलल जाओ कुर्सी पे बैठल यूपी से और का चला था इनकरा मन में का मन में चला था एकदम साफ साफ कहता और का लगता के बचाई भैया अभी तो हम कुछ ना कह सकीला काहे कि यहाँ सब बढ़िया सुर लगाए वाला योद्धा बा अब ऐसे तो हम केहू के ना कह सकेला कि कोई हमके बचाई यह हो सकेला कि हमू जा सकेली जय हो अब उतरल बाड़न यूपी के शान के योद्धा इनकर अदा के हर लड़की दीवानी बाड़न हाँ हाँ इनकर सुर चढ़ के बोल रहल बाटे सब लोगन के कपारे इनका के आवे से
यूपी सेना और मजबूत हो गई बाटे। इनका पिछला एपिसोड में भेटायल रहे 37 नंबर। देखे के बाकी आज एलिमिनेशन से बचे खातिर कौन सा पैतरा आज आए वाला बाड़ा नी। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी गोरखपुर के बांका छोरा जितेंद्र सिंह और अंशु के। भलही भैया जियते जिंदगी सहवत नाय अपनाई बे राजा बाकी जियते जिंदगी सहवत ना अपनाई बे राजा भलही भैया घरवा कूट पीस के खाई बे राजा भलही भैया घरवा कूट पीस के खाई बे राजा बाकी जियते जिंदगी सहवत नाय अपना जियते जिंदगी सावत ना अपनाई वे राजा बंधन के तू तुड़ती हल्ला झटका के तुड़ती हल्ला झटका के सात फेरा के बंधन के तू तुड़ती हल्ला झटका के तुड़ती हल्ला झटका के तोहरा के कामिली राजा हमरा के तड़पा के राजा अंशु पिछला बेर जिला टॉप ई विनर रहलन ई वाड़न अंशु 37 नंबर भेटायल रहे पिछला एपिसोड में ठीक बा। आज बाटे विदाई की आलोक का बड़ा अच्छा लगल भाई बड़ा एकदम भाव में गेला है इसी तरह जोश में गावा और पूरा भोजपुरिया जहान के नाम करा बहुत बढ़िया ममता क्या गाते हैं अंशु सुर इधर उधर भले हो जाए पर भाव बहुत अच्छा है ऑफकोर्स भाव बहुत स्ट्रांग है आपका सॉन्ग सिलेक्शन बहुत अच्छा था मुझे अच्छा लगा शब्द अच्छा लगा अलग लगा बाकी से सो कुल मिला के मैं आपको दूंगी 18 तुम्हारे अंदर ईश्वर की बड़ी एक कृपा है कि गाने को अपना बना करके वैसा वैसा एकदम रचते हुए चले जाते हो बहुत कमाल की बात है मैं बहुत हैरान होती हूँ आपकी गायकी को सुन के एक बात बहुत अभी तक जितने हमारे मेल सिंगर्स हैं सबका एक परफेक्ट योनर है या तो कोई बिल्कुल लोक संगीत का खिलाड़ी है एक है जिस पर फिल्म के गाने सूट करते हैं कभी कभी लोकगीत गा देता है
लेकिन आप एक ऐसे हैं जो जब आप आइटम गाते हैं, जब आप कोई कलरफुल गाना गाते हैं तो भी लगता है कि ये जितेंद्र अंशु गा रहा है, और लोकगीत को उठा करके गाते हैं तो भले ही आप एकदम डूड लग रहे हो लेकिन भाव और आवाज़ बिल्कुल वैसी निकलती है खांटी गोरखपुरिया कलाकार। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। आज के लिए 18 मेरी ओर से। बहुत बढ़िया मालिनी जी, कल्पना जी, 18 18। पिछला सप्ताह का जो मार्किंग रहे उस हिसाब से इनका कुल टोटल हो गई 73 और सेफ बाड़ा तू। वाह जय वाह। कुछ कहे से अब? कुछ नहीं, बहुत बस सबको हमारा बार बार पड़ा है। लड़की लोगन के का कहबा जो कुवारी बाड़िन? बोलो क्या बोले? इतने भी भोले नहीं हो, क्या एक्टिंग कर रहे हो? चला जो भी बा अपन संदेशा दा, बहुत बड़का फैन फॉलोइंग हो गई। सबको हमारा पड़ाव है, आशीर्वाद की कामना करता हूं। ये सुहाग रात में जीहन गोर चुके पढ़ाम करीहन आशीर्वाद दाम जाती बाहर। जा बेटा जा बेटा, प्रणाम ही करना तू तो प्रणाम ही करना, प्रणाम सुहाग रात में वही करना प्रणाम। एलिमिनेशन के भवरजाल में अभी भी बुरी तरह फसल बाड़न उत्तर प्रदेश सेना के दीपक। चिंता होता ना, इतना बढ़िया गायक ललका कुर्सी पे, शायद आज इनका आपके दुआ के सख्त जरूरत बा। कृपया उत्तर प्रदेश ना बिहार झारखंड से भी कहब कि इतना बढ़िया गायक खातिर आप जरूर दुआ करें, तीनों राज्य से हम निहोरा करब। भानुमती के पिटारा भी निकले के बाटे हो, पर्ची तो आ गई बा हमरा लगे, नामो बाटे सब कुछ लिखल बा, कुल हुई मजा हो, बड़ा मजा आई। विदाई की रात एकदम उदास ना करब, ई वादा बा, ना रोआई, खुश आंसू एगा, एक आंख में आंसू एक आंख में हंसी। मंच पर उतरल बाड़ी झारखंड की ऊ योद्धा जिनका के भेटाइल रहे पिछला सप्ताह 35 नंबर संघर्ष के अपन जीवन साथी बनाए वाली लड़की। आज एक बार फिर इनकर परीक्षा बाटे, का हुई इनकर परीक्षा के फल, पास या फेल? जोरदार ताली के साथ स्वागत करी देवघर झारखंड की प्रियंका भारद्वाज। Oh,
दिन जाए के तो पड़ी, ये तो बढ़िया बता देलू, खुदा मुंह से कबूल लेनी कि जाए के तो पड़ी। स्वयं इनके पता चल गए 35 नंबर भेटाइल रहे पिछली बेर आलोक बाबू। आज थोड़ा सा इनकर परफॉर्मेंस थोड़ा सा हमें कुछ कमी दिखल है, वो भाव भाव में भी कमी दिखल है। गावे लू तो हमके कन्फ्यूजन रहेला कि पता नहीं तू सुर में गाओ तो लोगों सुर में नहीं खूब गावत, ऐसा टाइप के रहेला कबो कबो ऐसा लागेला। बहुत अच्छा गाई, बहुत एकदम भाव में डूब कर गाई, दिल तक पहुंचा, ऐसे ही गाओ और सुर साधो, साथ सधे तो सब सधे मेरे गुरुजी कहते हैं, ठीक है। प्रियंका तुम इस मंच पे मेरी फेवरेट हो, ये बात जानती हो, और कहीं ना कहीं गाने से भी ज्यादा उठन बैठन, तुम्हारे चितवन, सब कुछ मुझे बहुत बहुत अपनी लगती है, लेकिन आज वो प्रियंका नहीं थी। भाव पूरा था, जो तुम्हारा सबसे सशक्त पक्ष है गाने को जीना, वो पूरा जिया, लेकिन एडलिप से लेकर के जो स्पेशली जो शुरुआत का मुखड़ा था, मैंने कई बार अपने को ऐसे पिंच किया कि मतलब सही सुन रही हूँ, सपाट सुर भी जहाँ लगाना चाहिए कहीं कहीं उछलता हुआ सा गया, जैसे कंट्रोल हो, थोड़ा सा आज मन जोग न रहे। 15 अब तक का सबसे मुझे आई एम वेरी सॉरी अब तक का लेकिन सबसे बिखरा हुआ परफॉर्मेंस मुझे लगा। कि सखी हो सैया के नगरिया एक दिन जाए के पड़ी, सखी हो सैया के नगरिया एक दिन जाए के पड़ी। मैंने लास्ट सबसे कम नंबर दिया है दीपक को 14, तो उससे मुझे कम ही देना पड़ेगा 13। फिरसठ पिछलका और आज के एपिसोड मिला के हो गए, और ये सेफ नहीं खन इनकरा के जाए के पड़ी ललका कुर्सी पर। विदाई का प्रेशर कि सब लोगन के ओकरे पहले का प्रस्तुति आपके असर कर गेल, का हो कहाँ गलत, का भी कहाँ लगता गलती हो गई। शायद विदाई का प्रेशर नहीं है, ये प्रेशर नहीं है मेरे ऊपर बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि मैं यहाँ तक आई हूँ तो मैं मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आप लोगों के सामने इस मंच पे, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि मुझे यहाँ तक आने का मौका मिला, मैं इस मंच पे गा रही हूँ, ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मैं यहाँ तक आऊँगी। अच्छा जैसे हम सवेरे आई नहीं तो आज बोल ली कि आज हम सीटी मारा हमरा पे कहें ऐसे पहलू, या आज ही हमरा के कहलिन कि आज आपके देख के हम सीटी मारा, क्योंकि आज रवि भैया आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। चला हम ऐसे चले लगब, हम यार से गुजरे लगब सीटी मारा, ठीक है, रेडी 1 2 3 धन्यवाद। आज बाबू दीपक बाबू के बचा लेनिन प्रियंका भारद्वाज, और ओबरा के कोबरा सेफ हो गयलन, और अनसेफ झारखंड से प्रियंका भारद्वाज, ऐसन सिंगर ऐसन गायक कबो उम्मीद ना रहे, लेकिन हम कहनी ना कि अद्भुत मंच बाटे सुर संग्राम तृतीय का, जहाँ कुछ भी हो सकेला, ग्रहों का भी खेला चला था, सुर का खेला भी चला था, और कहीं ना कहीं विदाई का रात भी कपारे पे चढ़ल बाटे। ये लोग माने ना माने लेकिन विदाई का प्रेशर आ जाला, काहे कि अब सुर संग्राम अपने एकदम चरम सीमा पे पहुंच गईल बा, सफर खत्म हो जाई हमेशा खातिरे जा, जे भी जाई बहुत रोलाई हो बहुत दुख दे। लाल कुर्सी पे सबसे कम नंबर पाके बैठ गईल बाड़िन झारखंड की प्रियंका भारद्वाज, अब तो बाकी बा इनकरा खातिर आखिरी आस यानी आखिरी बार, का हुई कुछ ना पता बटे, वहां हालत खराब हो रल बा हो, टेंशन का माहौल से उबरे खातिर चला खोलल जाओ भानुमती का पिटारा, ना तो हम ना बोल पाई वे गो सूत्रधार के रूप में, काहे कि
भानुमती का पिटारा खोलब ओकरा पहले थोड़ा कुछ बतिया से। बहुत सुंदर लागत अड़ू, बहुत नीमन लागत अड़ू। या का कहे जब का लगता वीरेंद्र भारती बचा पई हैं कि ना बचा पई हैं? ये तो भैया की गायकी पे है और मैं यहाँ तक हूँ, यहाँ तक आई हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। देखा वीरेंद्र भारती सेकंड लोएस्ट नंबर रहलन पिछला सप्ताह, तोरा से थोड़ा नंबर उनकर कम रहे, दो चार नंबर का कुछ फेरा रहे। चांसेस काफी बाटे कि आज वीरेंद्र भारती भी शायद जा सकल न जा सके, है ना भैया? मैं यही कहना चाहूंगी कि जाना तो सबको एक दिन है, और हो सकता है अगर भैया की, मैं बार बार एक ही बात बोलूंगी कि भैया की गायकी पे है कि वो अगर अच्छा गा देते हैं तो फिर वो हैं आगे, और अगर फिर उनका डोलता है तो मैं सिर्फ हूँ। यो खिलावा वीरेंद्र भारती, आजमगढ़ के लाल, सुर के लाल, माटी के लाल, कहीं गड़बड़ाई ना कहे कि कुछ अजीब से। आज पहली बार 23 एपिसोड हो गई ऐसन रावण विदाई का हम ना देखनी कबो, ना आप लोग देख ले हो, ना तो न्यायमंडल ना केहू, ये आज भैली मंच पे। चला ये चिंता के थोड़ा हल्का कर, भानुमती का पिटारा से निकालब जोन पर्ची निकलने रहनी। और अरे वाह, अरे वाह, वो नाम बाटे कल्पना जी का। और कल्पना जी एगो बिगड़ेल बहु और हम बनब सास, और सास से ही लड़ियन और हमार कंप्लेन बाटे अपनी बहु से, वो जवाब दीहन आपके पूरे आचरण पे हम खेलब आपके बोलब। तो आज भानुमती के पिटारा से कल्पना जी, मैं आपके साथ कैसे एक्टिंग कर सकती हूँ? आप इतने अच्छे एक्टर, मैं तो सिंगिंग कर सकती हूँ। हम सास है आप पतो बाड़ो, मुझे तो एक्टिंग करना पड़ेगा। लेकिन आपके जीवन में सास तो बाड़ी ना कब उनके साथ? लेकिन बिगड़ता वाला नहीं हूँ मैं। वाह वाह, और आओ तड़ी रवि किशन का पतो। वाह वाह, ब्रेकिंग न्यूज बाटे कल्पना जी आयल बाड़ी और हम बनब सास, ई रूप में सास के देख लिया और ई बनियन हमार पतो। पतो ऊ जेकरा के भोजपुरी ना आवेला, तो हम तो पूछब इनसे भोजपुरी में, देखे के बाकी पतो कैसे जवाब देला। और पतो ई नई नई एकर एक महीना भइल बा, बियाह बियाह होके आइल बाटे, कोनो काम ना करेला। अब ई सास पूछी अपने पतो से कि एजा का करे, एजा करेला बिने आइल बानू कि का बिने आइल बानू? का हो, का कहलू भोर से? चली प्रणाम। हाँ खुश रहा सौभाग्यवती। गलत 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 बात इन्फॉर्मेशन देत रहनी, कोनो काम नहीं करेलन, ये गलत झूठ, एकदम सरासर झूठ बात बा। अच्छा रोए खुद तो एकदम सच धज के कहाँ का घूमत रहनी खेते खेते के बीच। हाँ तो हम तो पूरा अब तक लड़का पैदा कह देनी, तो हमार उम्र बाटे की हम पूरा मजा ले। प्याज व्याज छिले के बा हमारा के तो मदद करी, हम अकेले अकेले कितना संभारी पूरे घर के। कैसे नहीं, कैसे नहीं? मुझे उसी पतो बाहो है? सारा दिन तो कहाँ कहाँ घूमत रहनी। अरे तो घूमब ना तो क्या पूरा उम्र बा कोनो? अरे तो पूरा जिंदगी घर पे भजन गाई, अरे तो पूरा दिया जलाई, मंदिर पे मंदिर साफ करी, घर पे हमरा के सब काम करे परेला, सुबह से एकदम 5 बजे उठा देला। अरे तो मुझौसी के मालूम ना, जब देखा 7 बजे अपने मुझौसी का 7 बजे अपने अपने पति के साथ कोठरी में ढुका जाइलू, भोरे 8 बजे निकलू। और बेटा खुद ही धुके रहले, बेटे के समझाई ना राहुल, बेटा खुदे धुके रहलन कमरा में। अरे तो हम तो हम का करी? अरे तो हमारो पति रहलन लेकिन 4 बजे। और रवा उस दिन हमारा पति के का कहले रहनी कि टच स्क्रीन वाला मोबाइल चाहिए, केकरा संगे व्हाट्सएप में बतियाबू केकरा संगे? अरे तो ई कौन कौन उम्र बा? अरे तो अपने लड़का से राम भजन करी, राम भजन। हमार माई तो हमार माई नैहर तो कितना अच्छा रहनी, हमार माई तो एकदम भजन में रहती, और ये तो उल्टा एकदम। अरे और हमरा के सब पता बा, वो मिसिर जी संगे जो पड़ोस में रहलन, वो मिसिर जी के संग का चक्कर? अरे तो मिसिर जी एकदम ये उम्र बा कोनो? अरे जवान बाड़न हम, आऊ जब जवान बाड़ी आई भजन गाई का पहन के आयल बाड़ू तू, ये पूरा लौकता हाल। अब जेकर सास पैंट और कुर्ते में रहनी वो का पहनी? हम तो नारी की वेशभूषा में मानी, रहो खुदे के देखी मर्दाना ड्रेस पहन के गोबर पाथे आवा। मिसिर जी के साथ कौन चक्कर बा? मिसिर जी बड़ा हॉट सेक्सी बाड़न तो ये प्रमाण हो गया कि आप बिगड़े हुए हैं सासू जी
बहुत धन्यवाद कल्पना जी के एगो जोरदार ताली इनकर भोजपुरी खातिर। ये कोनो स्क्रिप्ट ना रहे, ये ऑन द स्पॉट एक स्पॉन्टेनियसली एकदम प्ले कैल गई बा और एगो सिंगर बाड़ी नी इहो नाई की कोनो कैमरा फेस फैंटास्टिक। थैंक यू एगो जोरदार ताली। धन्यवाद। जो सांस लोग देख रहे हैं उनको मैं बोलना चाहूंगा एक तो माफी, और मैं अम्मा की बात जरूर कहना चाहूंगी कि मेरी सास वो बात आती है और मेरी सास जिनको मैं अम्मा बोलती हूँ, मैं एक मुस्लिम हिंदू बेटी मुस्लिम परिवार की बहू हूँ और मैं ज़्यादा उनके बारे में क्या बोलूँ। इतनी 5 वक्त की नमाजी है, वो स्पिरिचुअल है, धार्मिक नहीं है। आध्यात्म और धर्म का जो फ़र्क है उनसे मैं सीखी हूँ और इतनी ओपन माइंडेड। अभी जो सुर संग्राम शुरू हुआ तो मैंने दोनों बच्चों को दादी के पास अम्मा के पास रखा और मैंने कुछ जाते वक्त मुझे मैंने कुछ बोला नहीं, लेकिन जाते वक्त मेरे बेचैनी को उन्होंने समझा और मैंने मतलब एक होता है ना कि भाषा से आदान प्रदान, वो नहीं हुआ। उन्होंने एक बात बोला कि निश्चिंत होके जाओ, कुछ चिंता नहीं करना है, हम लोग तो बस एक जरिया है, अल्लाह देखेगा बच्चों को। ऐसे है, ऐसा संबंध है, बहुत बात नहीं करते हो भी ये भाव का मेरा संबंध है। अम्मा को सलाम वालेकुम अगर वो देख रही है। वालेकुम सलाम। और साथ ही साथ हमार तो प्लानिंग रहे कि इनके कैबरे करवाएं, लेकिन ये सास बहू वाला लेकिन ई वादा बाटे कि कल्पना जी से एगो कैबरे करवाया जाए। कल्पना जी के प्लेबैक सिंगिंग वॉइस दी हन ममता और ई नची हन कैबरे भैया तू। मेरा भी एक रिक्वेस्ट है तो आजा। ओके, ये करेंगे, एक रिक्वेस्ट है। जैसे देखिए सुपरमैन स्पाइडरमैन से इंस्पायर होके ऋतिक रोशन ने क्रिज भी कर लिया, भोजपुरी के का हुई? आप अगर आप नहीं करेंगे भूताली जी का जो है वो चीज अगर आप भोजपुरी में नहीं लाएंगे कैसे होगा? धन्यवाद, बहुत अच्छा ई वचन आज आपके देता नहीं कि हम डेफिनेटली एगो भोजपुरी सिनेमा के सुपर हीरो बन के जरूर आए, ये हमारा प्रॉमिस बात। थैंक यू, बहुत मजा आया। सो स्वीट। मैं म्यूजिक में रहूंगी। सो स्वीट आपके पूरा पूरा। अरे वाह वाह, थैंक यू। कल्पना जी जगा देनी हमरा के, लेकिन कहीं कौन रूप में का कपड़ा में देखे छे अभी उनके बाबा वाला भोजपुरिया जहान दिल के धड़कन उच्चतम रफ्तार पे पहुंच गई बाटे। बिना देर करे बुला लेल जाए आखिरी योद्धा के। अब मंच पे उतर रहल बाड़न उ योद्धा जिनका के पिछला एपिसोड में भेटायल रहे 40 में से 33 नंबर हिंदी गाना पर इनकर परफॉर्मेंस गड़बड़ा गल रहे, याद बाटे ना? हाँ, का आज मजबूत योद्धा के सपना पर कसी एलिमिनेशन के फंदा। जोरदार ताली के साथ स्वागत करी यूपी के शान आजमगढ़ के उत्तर प्रदेश माटी के लाल वीरेंद्र भारती। Yeah.
हंस कर रहा। अरे पैसा के आड़ में हो, अरे पैसा के आड़ में बिगड़ जाला जोड़ा, बिकाई ये बाबू दिए बिकाई ये बाबू दिए पास थोड़ा एको जोरदार ताली संतोष भैया, अमित भैया, ललित भैया के लिए एको जोरदार ताली। बहुत अच्छा बाबू, हरार महादेव, जय हो, जय हो बाबा, जय हो। प्रियंका कृपया आई। पिछला एपिसोड में इनकरा के भिटाइल रहे 33 नंबर। आज देखे के बा कि कहा हुई, उत्तर प्रदेश से विदाई हुई कि झारखंड से चला सरदार लोगन के पास जाय जाय, ओकर बाद न्याय मंडल, फिर नंबर उस हिसाब से पता चल जाए कि आज के जैसे हमेशा खातिर चल जाए। आलोक बाबू, पहले भी तो हम कहिए देनी कि भोजपुरी लोकगीत के बादशाह बारा, शेर बारा, बस इसी तरह भाई चपक के गावा मजा दा हमरा के। ममता जी क्या कहा? सबसे पहले तो आपके लिए उठ के क्लैप, और दूसरी बात, अगर आप ऐसे ही गाते रहें तो अपोजिशन पार्टी की मैं कोच हूँ, पर अगर आप ऐसे ही गाते रहें तो आप ही मतलब जीत रहे हैं। तेरे गर्जत रह, तेरे बरसत रह, अब बरसत रहो गर्जत रहो तो यूपीए के झंडा लहराई। शंकर भगवान की बम बम भोले। का लगा था इनका प्रस्तुति कैसे रहे? बहुत ही अच्छा। का कहे चाहू, लगाता कि रहबू की चल जाए, काहे कि अभी न्याय मंडल का मार्किंग बा, नंबरों अभी बाकी बाटे। आपके अच्छा लगल, सरदार लोगन के अच्छा लगल, कोनो जरूरी नहीं कि न्याय मंडल के अच्छा लगे। भैया मैं इतना ही कहूंगी कि उनकी गायकी बहुत अच्छी थी। का बाबू,